हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको आप कैसे बना सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, क्या हमारी बॉडी भी एक मैग्नेटिज्म शो करती है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का फोटोग्राफ दिखाता हूँ। तो बच्चों, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें क्या क्या सामान है, इसमें एक सेल है जिस और एक नेल है, आयरन नेल। और इस आयरन नेल को एक वायर के जरिए, कॉपर वायर के जरिए, और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, यानी कि इस वायर पर प्लास्टिक की कवरिंग हो रही है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर के जरिए इस आयरन नेल को रैप किया गया है, यानी लपेटा गया है। ठीक है, और बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही दोनों टर्मिनल से कनेक्ट होगा, यानी करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो ये जो आयरन नेल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और ये स्टील की जो पिंस हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो और जैसे ही हम इस वायर को हटा देंगे, ये फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। यानी कि करंट ऑन करते ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और करंट ऑफ करते ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें आयरन नेल का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये जो डायग्राम है आप यहाँ देख रहे हो, इसमें वही चीज़ है कि एक सॉफ्ट आयरन की कोर है जिसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग की गई है, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, और एक ये स्विच लगा दिया है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, इसमें करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो करंट फ्लो होते ही ये जो आयरन की जो कोर है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है, यानी अपने आसपास की तरफ, आसपास जो आयरन की चीज़ें हैं या निकल की चीज़ें हैं या स्टील की चीज़ें हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों सॉफ्ट आयरन ही इस्तेमाल करते हैं, कोई और मेटल नहीं इस्तेमाल करते, स्टील इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन होता है ना बच्चों, ये स्विच ऑन करते ही ये मैग्नेटाइज हो जाता है, और स्विच ऑफ करते ही ये डीमैग्नेटाइज होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, बस आपको स्विच ऑन करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, स्विच ऑफ करते ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। ठीक है, और जो स्टील होता है ना बच्चों, स्टील का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्टील का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो स्टील होता है ना, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है एक बार में, यानी वो आसानी से स्विच ऑफ करते ही अपनी जो मैग्नेटिज्म है वो उसको लूज नहीं करता है, इसलिए स्टील का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम इस कॉइल जो है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, तो जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे इस कॉइल में, उतनी ज़्यादा इसकी मैग्नेटिज्म इंप्रूव हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। और जितना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो करेंगे, तो करंट फ्लो करने से भी इसकी जो मैग्नेटिज्म है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है कि जो आयरन कोर की जो लेंथ है, यानी कि जो एयर गैप है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच, जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी मैग्नेटिज्म कम होगी। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने, तो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो गैप है उसको कम रखना होगा, यानी ज़्यादा लंबी मैग्नेट नहीं बनानी होगी। तो ये वो चीज़ें थी। अब बात करते हैं बच्चों की जो हमारी बार मैग्नेट होती है, ठीक है, और जो जिसे हम परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो बार मैग्नेट होती है वो एक परमानेंट मैग्नेट होती है बच्चों, ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो टेम्परेरी होती है, यानी कि आप स्विच ऑन करिए और स्विच ऑफ करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो बार मैग्नेट होती है ना, ये परमानेंट मैग्नेट होती है, ठीक है, और ये वीक होती है, इसकी जो मैग्नेटिज्म होती है वीक है, ज़्यादा दूर तक काम नहीं करती है और ना ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, भारी भारी चीज़ों को भी आसानी से उठा सकती है। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ है, जो परमानेंट मैग्नेट है, वो वीक भी होता है, और जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसकी स्ट्रेंथ को आप आसानी से चेंज कर सकते हो, बहुत आसानी। करंट बढ़ा दीजिए तो स्ट्रांग मैग्नेट बन जाएगा, करंट कम कर दीजिए वीक मैग्नेट बन जाएगा, यानी जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप उसकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो। और चौथी चीज़ है बच्चों की, ये जो पोलैरिटी होती है, यानी कि जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, इनकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। जो नॉर्थ था वो अब साउथ बन सकता है, जो पहले साउथ था वो अब नॉर्थ बन सकता है। आपको करना बस इतना है कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हैं उनको चेंज कर देना है, बैटरी की पोजीशन चेंज कर देनी है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है, नॉर्थ और साउथ पोल भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज़ कहाँ पर है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़े काम की चीज़ है, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में, इसका इस्तेमाल होता है जनरेटर बनाने में, है ना,
इसका इस्तेमाल होता है लाउड स्पीकर बनाने में, माइक्रोफोन्स बनाने में, तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आप एक फोटोग्राफ देख रहे हो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके ज़रिए जो बड़े बड़े ये आप पाइप देख रहे हो ना, ये ट्रक में लोड किए जा रहे हैं, इतने हैवी हैवी पाइप्स हैं ये, और देखिए पूरा बंडल है पाइप्स का, तो ये इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा उठाना, कई लोग मिलके उठा पाएंगे या हो सकता है ना भी उठा पाए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए आसानी से उठा के लोड या फिर अनलोड किए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ ट्रक में किए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिज्म का हमारे बॉडी के अंदर होना, क्या हमारी बॉडी भी मैग्नेटिज्म शो करती है? यस, करती है बच्चों। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है, और ब्लड में क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। तो ये चार्ज पार्टिकल्स हमारी बॉडी में मूव करते रहते हैं, और हम जानते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे करंट बनेगा, और जब भी करंट बनेगा मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी हमारी बॉडी में एक वीक करंट फ्लो होता रहता है चार्ज पार्टिकल की वजह से, जिसकी वजह से एक बहुत मामूली सी एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मेडिकल साइंस में एक टेक्निक होती है बच्चों, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग यानी MRI। इसके ज़रिए जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनकी इमेज बन जाती है, और उस इमेज के ज़रिए डॉक्टर्स बीमारी का पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो कैंसर के जो टिश्यूज़ होते हैं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो इस MRI के ज़रिए पता चल जाता है, और उसका इलाज फिर कर दिया जाता है, और वो जल्दी से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।